अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है नोट टूल के मुतालिक। नोट टूल एग्जैक्टली जो है रूलर टूल के नीचे आता है। ऊपर वाले टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। आज जो क्लास है मैं आपको नोट टूल के बारे में देने जा रहा हूँ, डिटेल्स में देने जा रहा हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलते रहे। एग्जैक्टली इस वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप जस्ट क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ईद के डेज थे। तो गुज़िश्ता ईद आप सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारक। चलें चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इमेज ले आता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ये मैं एक इमेज ले आया हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नोट्स मैं बनाऊँ। नोट्स जैसे कि हम लोग कॉपी पे बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को पता लगे यार ये चीज़ किस लिए यूटिलाइज हो रही है। तो खुद को समझने के लिए हम लोग जो है नोट टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जगह पे एक नोट बना लेता हूँ, और इसका कलर मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको रेड कलर का रखूँ या कुछ भी रखूँ, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा नोट बन जाएगा। इस नोट पर लिखना कैसे है, आपने जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अगर ये इधर ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही, आप विंडोज़ में जाएंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी आ रही होगी नोट्स की। ये देखें, ये नोट्स की ऑप्शन आ रही है आपके पास। अगर ये चेक नहीं है तो इसको चेक करके आप इस जगह पे ला सकते हैं। ओके, मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक करूँगा, और इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इस पर मैं नोट लिख सकता हूँ कुछ भी। ये हम लोगों की तरफ से मैं जिधर से बना रहा हूँ ट्यूटोरियल, तो ये है राइट आई। इसको मैं राइट आई के नाम से लिख सकता हूँ, और एंटर जस्ट प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक नोट बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं कोई और नोट्स भी बनाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट करें मैंने इधर नोट बनाना है, येलो कलर के हैंड देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ। ये हेयर्स है इसके, और ये हेयर्स का बन गया। उसके बाद ये नोट मैंने बना लिया, इसको मैं बना देता हूँ, ये है लिप्स के नोट्स। तो मीन्स के कोई भी चीज़ को आसानी से क्रिएट करने के लिए वो आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह नोट्स बनाने हैं, किस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है। तो ये इधर नोट्स आपके सामने आ रहे होंगे, आप जो चीज़ नोट आप देखना चाहें वो बता देगा। कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें ये लिप्स वाले पर किया तो लिप्स आ गया इधर, लिप्स को इसने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हेयर्स भी किया तो हेयर सेलेक्ट कर दिया। इधर से इसको मूव करूँगा तो ये इसने राइट आई सेलेक्ट कर दिया। इसके अपनी आसानी के लिए हम लोग, जैसे कि मैंने आपके लेयर्स में समझाया था कि आप सर्च भी कर सकते हैं किसी चीज़ों को, तो नोट्स के ज़रिए भी आप चीज़ों को सर्च अप कर सकते हैं कि आपकी लेयर कहाँ पड़ी है या आपने जिस चीज़ में डिटेल देनी है वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप जो है ना किस तरह कौन सा कलर रखें और कौन सी तरह चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे। ब्लू है, ब्लू मैंने रख लिया, तो ये देखें ये ब्लू नोट हो गया। तो ये थी सिंपल सी क्लास। मुझे उम्मीद है ये नोट्स की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।